चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन का आज पहला दिन है, लेकिन शहर में ऐसा लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन लगा है। चंडीगढ़ की सड़कों पर आपको वाहनों की कतारें दिखेंगी। यह तस्वीरें सीधे चंडीगढ़ से है, जहां वाहनों की कतारें लगी है। हर जगह चौक पर, लाइट पॉइंट पर आपको वाहन आते जाते हुए दिख जाएंगे। हालांकि इस लॉकडाउन को लगाने का मुख्य पहलू यह था कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, ताकि कोरोना का यह संक्रमण ना फैले। लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। चंडीगढ़ में लॉकडाउन का बिल्कुल भी असर नहीं देखने को मिला। हालांकि चंडीगढ़ में दुकानें पूरी तरह से बंद थी, चाहे वह किसी की भी सेक्टर की बात हो, हर जगह आपको दुकानें बंद दिखेंगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने भी वह सख्ती दिखाई जो लॉकडाउन के दौरान पुलिस को दिखानी चाहिए थी। बस गिने चुने जगहों को छोड़कर शहर में कहीं भी पुलिस के नाके नहीं दिखे। एक पुलिसकर्मी ने कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन अगर लोग अब भी नहीं माने तो कोरोना का यह संक्रमण बहुत तेजी से पूरे शहर में। सर, किस लोगों को आप रोक रहे हैं यहाँ पर? हम तो उन्हीं लोगों को रोक रहे हैं जो सीनियर अफसरों के हुक्म है। भाई, जो आप फालतू ना घूमे, जब बगैर काम के कोई घूमता है, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, वो पूछ लेते। कोई कहता मैंने वो हॉस्पिटल जाना है, कोई कहता दवाई लेने जाना, सारे कोई कोई बहाना मारी जाते हैं। तो चेक कर लेंगे, पेपर वेपर किसी को होगा तो चलान तुरंत कर देंगे, किसी का मिल गया तो रोक रहे। और क्या वैसे है हुक्म सीनियर अफसरों का, उसी हिसाब से मत सीनियर अफसरों का जो हुक्म है उसी हिसाब से काम तो कर, उसी हिसाब से कर रहे हैं हम। चेकिंग वगैरह उनका भी व्हीकल वहीकल चेक करो, चक्कर चुक्कर मारो, पेट्रोलिंग करो, कर रहे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।